आप जानते हैं आज हम वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने देखिए कार्डबोर्ड शीट के 3 हार्ट शेप डिज़ाइन काट लिए। आप चाहें तो घर में अगर आपका कोई पुराना कर्टन हो तो आप उससे भी काट सकते हैं, बस आपको कार्डबोर्ड के 3 हार्ट शेप डिज़ाइन के पीस काटने। ये पीस किसी भी आकार के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तीनों पीस एक जैसे हो। अगर आपके पास पेंट होता तो आप इनमें ऊपर साइड पे जो साइड सामने रहेगी उस पर पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम पेंट नहीं, हम कलर्ड पेपर का यूज़ करेंगे। इन पे अब हम कलर्ड पेपर ऊपर से चढ़ाएंगे और इनको अच्छा बनाएंगे। जैसा कि देखिए ये हमारे हार्ट शेप है, हमने नीचे कलर्ड पेपर रख लिया। देखिए हमारा कलर्ड पेपर कुछ इस प्रकार का है। अब हम इसको इसमें स्टिक कर लेंगे, जो किनारे किनारे वाला है इसको हम लोग कैंची से कट कर लेंगे और फिर ग्लू से इसको चिपका देंगे। ऐसे ऐसे करके पूरा कट कर लीजिए सब किनारे किनारे से इसको ऐसे ऐसे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने देखिए अपने तीनों हार्ट्स पर ये ऊपर से हमने मतलब एक कलर्ड शीट चढ़ा ली है। अब हम इनको स्टिक करने जा रहे हैं एक धागे में, जिससे हमें वॉल हैंगिंग टांगने में सहायता हो। ये देखिए कुछ इस हिसाब से आपको थ्रेड रखना है तीनों के पीछे ऐसे। अब इनको हम लोग को लाइन से इसमें स्टिक करना है, तो देखिए स्टिक कैसे करते हैं। ये देखिए कुछ इस हिसाब से हमको अपने पूरे धागे को ऐसे ऐसे करके बीच बीच में चिपका लेना है। ये देखिए ऐसे। अब देखिए हम अपने वॉल हैंगिंग सजाने के लिए इन फ्लावर्स का यूज़ करेंगे। आप पेपर फ्लावर भी बना सकते हैं, लेकिन पास हमारे पास हैं इसलिए हम इन्हीं वाले फ्लावर्स से अपने वॉल हैंगिंग को सजा। ये देखिए हमने अपने पूरे वॉल हैंगिंग में अपने फूल और ये सब देखिए होम स्वीट होम करके पूरा चिप